क्वेश्चन नंबर 18 मिशनरीज एक्सरसाइज नंबर 16 12th मेंस आरबीसी से, ये 18 क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह पढ़ कर देखें। इसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं, एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम के अंदर इन बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर वैसी परीक्षा है, उसके अंदर नकल मार्क के आंसर लिखना उसकी प्रायोरिटी है 1/6 कैन कॉपी द आंसर। E2 का मतलब अनुमान लगा के आंसर लिख रहा है, वो गैस द आंसर वो है हमारे पास में 1/3 या तो आंसर तो जानता है, तीन ऑप्शन है, या तो नकल मार्क लिख रहा है या अनुमान लगा रहा है या फिर आंसर तो जानता है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉपी करेगा यानी नकल मारेगा इसकी प्रायोरिटी देख के 1/6 ऑलरेडी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है क्वेश्चन से, और अनुमान करके लिखता है इसकी प्रायोरिटी है 1/3 और इसकी देरी रखी है। तो यहां पर एक हमारे पास में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा कि ये दोनों दे रखी है वो देरी रखी है, वो डेटा क्यों नहीं दे रखा है। देखो तीनों प्रायोरिटी का सम कितना होता है 1 होता है, तो अगर हमारे पास में PE3 नहीं दे रखा है और ये दोनों दे रखे हैं तो PE3 1 माइनस इसको कर दो माइनस 1/6 और इसको कर दो 1/3 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास में 6 माइनस 1 और ये माइनस 2 ये कितना हो गया 3/6 यानी 1/3। तो वो आंसर जानता है इसकी प्रॉपर्टी कितनी है 1/2। अब हमारे पास में यहां पर ए का मतलब है आंसर इज करेक्ट यानी दिया गया उत्तर जो है ना वो सही उत्तर सही है। अब देखो एक डेटा क्वेश्चन और दे रखा है कि भी अगर नकल मार के लिखता है यानी कि उसने ईवन काम किया है अब आंसर सही होने के चांसेस है 1/2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया। उसने क्या किया है कि अगर ये काम किया है यानी अनुमान लगाया है E2 और आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुविकल्पीय है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है तो अनुमान में 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी करेक्ट होने की। इसी तरह से ये हमारा डेटा दे नहीं रखा है, यहां पर हमारे को सोचना पड़ेगा, वो आंसर तो जानता है ना और उसके सही होने के चांसेस। देखो किसी आंसर को अगर आप सही तरीके से जानते हो तो सही होने के चांसेस कितने होते हैं, ठीक है ना 100%। अब आप देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंसर तो करेक्ट हो गया यानी ये काम हो चुका है, अब ये पता लगाओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता था यानी कि इसने E3 की डिमांड की है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, बीज फॉर्मूला A upon E3 into PE3 PE1 into PE1 थोड़ा केयरफुल लिखे हैं E2 A upon E2 plus PE3 into PE A upon E3। अब सारी वैल्यू उसमें लिख दें PE3 हमारे पास कितना निकल रहा है 1/2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास 1 और E1 की वैल्यू 1/6 और A upon E1 1/8 प्लस लिखते समय बिल्कुल केयरफुली ये 1/3 इंटू E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 और ये इंटू 1। अब आप इसमें देखो ये 1/2 तो पड़ा है यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा 1/48 प्लस ये हो गया 1/12 प्लस ये हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए एक पार्ट इसका रिमूव करें, पहले कॉपी कर लो यहां से। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज का ध्यान रखना है कि डेटा जब क्लेम करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से देख लें करेक्ट है कि नहीं, अगर डेटा सारे करेक्ट हैं तो क्वेश्चन राइट होने के चांसेस पूरे होते हैं।
तो ऐसे चक्कर में क्या करें अपन कि पहले लिख ले डेटा को, उसके बाद में क्रॉस चेक जरूर करें, यानी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखें जो लिखा गया डेटा करेक्ट है या नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें इसके बाद। अब आप इसको देखो ये और पार्ट हटा देता तो आप पास आ जाएगा। वहां से देखें 1/2 इसका एलसीएम आ जाएगा 48, तो ये तो 1 आ गया प्लस यहां 12 है, 12 का डिवाइड अगर 48 में देखो तो कितना आएगा 4, और ऊपर 1 है तो 4 प्लस ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इक्वल्स टू ये तो 1/2 है इनटू ये 48 अपॉन 28 और ये 29, 2 से 24 अपॉन 29 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं को क्या बताया है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुल सॉल्व करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका अपडेट बहुत फास्ट पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।